नमस्कार दोस्तों, मैं तवरमन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में। और आप यार जानते हैं कि पानी में अगर हम किसी भी लोहे की चीज़ को डालते हैं तो वो तैरती नहीं है, डूब जाती हैं। चाहे आप एक सुई को डालें वह डूब जाएगी, लेकिन आप बहुत बड़े लकड़ी के पेड़ को भी डालेंगे पानी में तो वो तैरता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है डेंसिटी के कारण, क्योंकि जो डेंसिटी होती है लोहे की वो पानी से ज़्यादा होती है, इसलिए कोई भी लोहे की चीज़ आप डालेंगे वो पानी में डूब जाएगी। ऐसे ही अगर हम सुई को भी पानी में डालेंगे तो वह डूब जाएगी। सुई या ओलपिन जो कि स्टेपल में यूज़ करते हैं हम, पेपर को क्लिप करने में यूज़ करते हैं, ऐसे आप पानी में डालेंगे तो 100% डूब जाएगी। लेकिन यह पानी का जो सरफेस टेंशन होता है उसके साथ हम कुछ ट्रिक करके सुई को या ओलपिन्स को पानी पर तैरा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करके देख लेते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको बर्तन में पानी डाल लेना है। ये सुई आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको इसमें डाल के दिखाता हूँ कि ये नॉर्मली डालेंगे तो ये डूब जाएगी। ये देखिए अब डूब जाती है। दूसरी क्लिप में आप देखिएगा कि जब मैं डालता हूँ तो ये नहीं डूब रही है, फ्लोट कर रही है। तो ये कैसे करते हैं ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो गाइस यार, पहली ट्रिक जो है उसमें आपको टिश्यू पेपर पर ये सुई रखनी है, निडल रखनी है और पानी में छोड़ देना है और किसी भी लकड़ी की सहायता से इसको धीरे धीरे डुबोना है। आप देखें कि ये टिश्यू पेपर नीचे चला जाएगा और सुई आपकी ऊपर रह जाएगी। तो थोड़ा टिश्यू पेपर जो है डिसोल्व हो जाता है वाटर में। तो यही हम फाइनली कर देते हैं यार। बूम गाइस, आप देख सकते हैं यार कैसे ये फ्लोट कर रही है, कितना मज़ेदार है। कितने अपने दोस्तों को आप जो है शो कर सकते हैं, सरप्राइज़ कर सकते हैं इसके साथ। आप देख सकते हैं फ्लोट कर रही है। ऐसा ही सेम करते हैं ओलपिन के साथ, वही सेम करेंगे, टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे और छोड़ देंगे पानी में। ये पानी को सोख लेता है और पानी में घुल जाता है टिश्यू पेपर, इसकी वजह से ये नीचे चला जाता है। वही हम डंडियों की या किसी भी चीज़ की सहायता से इसको अलग करने की कोशिश करते हैं। और ये धीरे धीरे करना है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। देखो बूम गाइस, ये दोबारा हो गया यार। कितना आप टिश्यू पेपर को निकाल दीजिए ताकि किसी को पता ना लगे, तो ये देखने में कितनी अच्छी ट्रिक लगती है। आप यार ये पेपर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर के साथ ये दिक्कत है कि पेपर इसमें चिपक जाता है सुई में और वो बहुत बड़ा ही मुश्किल होता है हटाना। और आप देखेंगे फाइनली कि सुई जो लोहे की होती है या स्टील की जो भी होती है वो फ्लोट कर रही होती है पानी में। ये देखो यार फ्लोट कर रही है। इसके अलावा एक और ट्रिक है जिसमें कि आप पेपर क्लिप को लेना है, उसको ऐसे एल शेप में उसको उसकी पोजीशन बनानी है ताकि आप इसके ऊपर अपनी सुई या पेपर क्लिप्स वो ऑल पिन्स को रख सकें। कुछ इस मेथड में छोड़ना है, जेंटली छोड़ना है, बिल्कुल आराम से छोड़ना है, ज़्यादा पुश नहीं करना है और ज़्यादा आराम से भी नहीं छोड़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप आराम से छोड़ेंगे तो ये बूम गाइस ईजिली हो जाता है। ये देखिए कितना आराम से मैंने छोड़ा है और हो गया है। कितनी बार भी आप कर सकते हैं ये यार। ऐसा नहीं है कि एक बार में हो गए, ये कुछ फेल अटैम्प्ट्स हैं, प्रैक्टिस से सीखते हैं आप। ऐसा ध्यान रखना है कि इस टाइप की गलतियां ना करें आप। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार।